नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर की बैंक कॉलोनी के राजीव गार्डन में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय पिंकी गुड़गांव की रहने वाली है। पिंकी की मुलाकात उसके पति विक्रम से 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। ये मुलाकात प्यार में बदल कर शादी में तब्दील हो गई। पिंकी और विक्रम की 6 महीने की बेटी है। घर वालों की परवाह किए बिना दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए और उस प्यार की निशानी के रूप में उन्हें एक बेटी मिली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ही पिंकी और विक्रम के बीच ऐसा क्या हुआ कि विक्रम ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार विक्रम को किसी शादी में शगुन डालने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी और उसने अपनी पत्नी से 30,000 रुपए की मांग की, लेकिन जब पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी पति ने पीछे से उसके गले में फंदा डालकर पिंकी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का अंजाम देने के बाद आरोपी पति विक्रम मौके से फरार हो गया। मकान मालिक कृष्णा ने फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल भेज दिया और आरोपी विक्रम की तलाश में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गई है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। ये कल हमारे पास कोई 11 बजे के लगभग कृष्ण लाल है, मकान मालिक जो इसमें रहता है अपना बैंक कॉलोनी में, उसने फ़ोन किया था कि मेरे मकान में विक्रम सिंह नाम का अपने बच्चों के साथ किराए पर रहता है और उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, आप मौके पर पहुँचे, मेरे को संदिग्ध हालात लगते हैं। तो वहाँ मौके पर पहुँचे पुलिस हमारी ASI मसरूफ अली बलदेव सिंह और ASI ऋषिपाल। वहाँ पर जाकर हमने मौका मुआयना किया तो हमने देखा लड़की की जो उसकी डेड बॉडी में यहाँ पे गले के निशान थे, तो हमारे को उससे शक हुआ तो हमने और बारीकी से जांच पड़ताल करी और तुरंत हमने उसके लड़की के माता पिता को सूचित किया गुड़गांव में, उनका नंबर लेगा कैसे भी बड़ी मुश्किल से। तो उसके माता पिता ने आने से मना कर दिया, वो बोले भी हमारे पास तो शादी है, हम तो आ नहीं सकते, गरीब आदमी। तो फिर हमने 7 बजे तक इंतजार करके कृष्ण लाल का बयान लिखा मकान मालिक का, उसने बताया भी ऐसे ऐसे बात है, इनका 2 माह करीब इसकी पिंकी की है, 2.5 साल पहले फेसबुक के माध्यम से विक्रम के साथ दोस्ती हुई थी और उन्होंने लव मैरिज की है। लव मैरिज करने के बाद इनका लड़के की इनका नंदा आया था इनके पास शादी का, उसमें इसको बुलाया था, पिंकी को भी और विक्रम को भी उन्होंने, इसके भाइयों ने। तो उस बात को लेके पिंकी इससे 30,000 रुपये की डिमांड करती थी कि 30,000 रुपये दे दे मेरे को अपने भाई की शादी में जाना। जिस रंजिश को लेकर इसने 29 तारीख को 12-1 बजे के लगभग अपनी घरवाली जो बैठी हुई थी उसमें पीछे से फंदा डाल के ऐसे रस्सी से गला घोट दिया और इसकी हत्या कर दी, हमने कृष्णलाल के बयान में मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। तो सर जो आरोपी है पति उसकी क्या गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी आरोपी फरार है हमारे पास। ये काम क्या करता है वैसे? आरोपी मेहनत मजदूरी करता है, ग्लोबल प्लाईवुड है, उसमें नौकरी करता है। ये और ये पिंकी? पिंकी घरेलू लेडी है। सर एक लड़की है 6 माह की। तो कितनी आयु है सर पिंकी की? 23-24 साल के लगभग। तो अभी फिलहाल क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए है, डॉक्टर साहब से राय लेंगे इसमें स्पष्ट, उसके बाद तुरंत गिरफ्तार। परिजनों की तरफ से कौन है सर अभी यहाँ पे? परिजनों की तरफ से कोई नहीं, उसके विक्रम है, उसके माता पिता है। कैसे डेथ हुई इनकी? तो एक बार मेरे को पता नहीं चलती कोई बात ना, मैंने देखा। तो जैसे रिश्ता होता किस तरह से होता आपके बेटे के साथ, विवाह कैसे हुआ था? विवाह बस कॉल उसने करी है, फोन पे बात करी बस, फोन पे कुछ बात। तो कैसे हुआ था रिश्ता और क्या अरेंज मैरिज हुई थी इनकी? ना सर जी, अरेंज मैरिज हुई है ना कोई ऐसे हुई है, ना कोई इन्होंने जयमाला डाली है ना कुछ है, बस वैसे फोन पे बात करी है तो नहीं आया। तो आपको पसंद थी ये? नहीं, मारे को पसंद नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से करा हमने। तो अभी जो विक्रम और ये पिंकी रह रहे थे, हाँ हम तो हमारे हमने तो पसंद कर ही ली, जब लेके आ गया तो फिर हमने पसंद करनी थी, निकाल ली थोड़ा सी घर से, और घर से थोड़ी निकालने अगर लड़का लेके आ गया तो लड़के के फ्रेंड के ऊपर बात थी ना। हाँ जी, हम अपनी मर्जी से लेके आए, हमने तो पसंद करके रखनी थी, हम छोड़ना थोड़ी था। तो क्या शादी को कितना समय हो गया था इनकी? बच्चे कितने थे इनके पास? एक ही लड़की है, अभी 6 महीने की। तो अब क्या हुआ था कि जो इनमें किस बात को लेकर तकरार हुआ था? सर जी मेरे को तो, मेरे अपने बड़े लड़के के पास रहती, मेरे को कुछ पता नहीं, रहते थे ये दोनों जने, तो आपको क्या सूचना मिली थी? हाँ जी,
क्या पता लगा था, कैसे पता लगा आपको कि पिंकी की डेथ होगी? मैं कह रही हूँ ना, मैं आई थी पहले घर पे छोटे लड़के के पास ही आई थी, तो मैं सो रही थी, मेरे को ये सोती तो है थी पहले भी, सो जाती थी करके अपना रोटी वाटी के दो बजे सो रही थी, मेरे को पता नहीं सो रही है ये, मेरे को क्या पता, मैंने देखा नहीं, जब लड़की रो रही तब मैंने देखा, हाँ लड़की रो रही है अभी उठा नहीं रही उसको, फिर मैं अंदर दरवाजा खोल के अंदर गई, दरवाजा बैठ के सो जाती थी ना, मैं दरवाजा खोल के अंदर गई तो वो देखा लड़की रो रही है और वैसे पड़ी देखा तो फंस नहीं गई, तब पता लगा मेरे को, फिर मैंने इन पर बच्चों को फ़ोन करा, फिर हॉस्पिटल लेके गई उसको, फिर करा तो इनके परिवार वालों को बताया? हाँ जी बताया, पहले तो सारी रात हम फोन करते रहे, इन्होंने फोन उठाया सुबह 4 बजे, इन्होंने फोन उठाया तो फिर कह रहे सुबह बात करिए भी, जो भी बोल रहे हो कुछ, तो लड़के ने कहा भी मैं विक्रम बोल रहा हूँ, बात करो, कह रही सुबह बात करिए, सुबह फिर 6 बजे बात करी इन्होंने, कह रहे भी हमारा कोई नहीं, हमने कोई नहीं आना जाना भी हमारा कोई नहीं। वो तो इनके रिश्ते में बेटी लगती है, फिर भी नहीं इतनी इसकी डेथ हो गया? बेटी कितनी बड़ी है इनकी? 6 महीने की सारी, अब 7वें में लग जाएगी। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा रहता था आपस में? कोई भी नहीं, लड़ाई कभी भी नहीं। सर जी अब यही जाने हैं, अब हमारे घर में जब मैं पास ही नहीं रखी थी इनके, तो सर हमने भी कभी नहीं सुनी लड़ाई लड़ाई का, हमें कोई बोल ही नहीं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।